ये और सब गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि डायमंड कैसीनो से स्टैचू चुराने के बाद पुलिस ने हमें बहुत ही बुरी तरह चेस करा था और उसी के बीच चलती बाइक पर शॉट मार के लेस्टर को बीच हाईवे पर डाउन कर दिया था। अब यार देखो, इस एक्सीडेंट के बाद ना मुझे तो नहीं लग रहा था कि लेस्टर जिंदा बचेगा, तो इसीलिए हम लोग लेस्टर को वहीं पर छोड़कर मैं चला गया था सीधा डगन बॉस के घर पर और जो स्टैचू चुराए थे वो ले जाकर उसको दे दिए और उसने माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन तीनों लोग की फैमिलीज को वहां से छोड़ दिया था। अब यार देखो, जब उसने छोड़ा ना तो साथ के साथ उसने ये बताया कि जो तुम्हारा दोस्त है लेस्टर वो अभी मरा नहीं है, उसको मतलब कि ना पुलिस वाले एक एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे। यही पता करने के लिए जैसे मैं लॉस सैंटोस पहुंचा तो अभी FIB वाले मेरे को नजर आ गए एक हॉस्पिटल में और वो लोग लेस्टर को वहां से लेकर चले गए सीधा कोर्ट में और वहां पर ले जाकर उसे 5 साल की सजा सुना दी। अब यार देखो, लेसन हमारा बहुत पुराना जिगरी दोस्त है जिसने हमारी 100 से भी ज्यादा बारी मदद करी है, तो उसको हम लोग यूं ही नॉर्मली तो नहीं जाने दे सकते थे, इसलिए हम तीनों ने ना मिलकर पूरा जी जान का जोर लगा दिया लेस्टर को बचाने के लिए। और जैसे ही हमें पता चला कि लेस्टर को प्रिजन ले जाने के लिए कुछ स्पेशल प्रिजन व्हीकल आ रहे हैं, तभी हमारे दिमाग में एक बहुत तगड़ा प्लान आ गया। हमने क्या करा, सीधा उसी जगह पर जाकर वाले प्रिजन व्हीकल चुरा लिए और उसके अंदर लेस्टर को हमने बैठाया और FIB ऑफिसर्स को मार के और पुलिस वालों को फिर एकदम चकमा देकर लेस्टर को बचाकर हम लोग इस जगह पर ले आए। अभी फिलहाल हम लोग इस पर सेफ तो है, बट लेस्टर का भी कुछ पता भी नहीं है कि वो गाड़ी के अंदर है या फिर नहीं है। ड्राइवर बहुत कोशिश कर रहा है कि गाड़ी का जो पीछे वाला गेट है वो खोल दे, बट ये गेट पता नहीं कैसा है भाई, इसके अंदर लॉक है ही नहीं, पता नहीं ये गेट कैसे खुलता है। अभी फिलहाल बैनी से कॉल पे बात हुई है तो बैनी कह रहा नहीं, अब ये जो काम है ये मतलब ऐसा ओपन में नहीं हो पाएगा, इसको लेकर उसका जो मेन गैराज है वहां पर आ जाओ। तो चलो यार, अभी ना जैसे जैसे करके हमें इस गाड़ी को वहां पर लेकर जाना ही पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था किसी ना किसी तरीके से इस गाड़ी को छुपा लें, बट ये है भी ट्रक इतना बड़ा कि किसी ट्रक के अंदर भी नहीं आ सकता, तो बिना नॉर्मली ही लेकर जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल यहाँ के जो बंदे हैं, मतलब ये ना थोड़ा अजीब सा एरिया, पुराने से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो इनसे कोई डरने की बात है नहीं। बट ना चलो, अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई जल्दी से आकर गाड़ी में बैठो, बाकी यार अगर कोई बड़ा सा ट्रक मिल जाता ना तो उसी ट्रक के अंदर हम लोग इस ट्रक को डाल लेते। तो गाइस यार ट्रक छोड़ो, मैं तो सोच रहा हूँ कि ना इसको ट्रेन पर से लेकर चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग रोड के रास्ते जाएंगे ना तो सीधी सी बात है पूरी की पूरी जगह पर बहुत तगड़ी चेकिंग हो रही होगी, तो काम कभी भी खराब हो सकता है। बट अगर हम ट्रेन के थ्रू जाएंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलो यार जल्दी से आकर गाड़ी में बैठो। अभी फिलहाल एकदम शीशे भी इसके ब्लैक है ना, तो ढंग से कुछ भी अंदर का नजर नहीं आ रहा है। बाकी पता नहीं इसका गेट कैसे लॉक हो रखा है पीछे वाला, मुझे नहीं पता कि बैनी भी इसे खोल पाएगा या फिर नहीं। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम तीनों लोग जो इस वाले ट्रक के अंदर बैठ चुके हैं। अब पीछे वाला गेट नहीं खुल रहा था इसलिए फ्रैंकलिन भी अपने साथ आगे ही बैठ गया है। तो चलो यार, अभी ना जल्दी से अपने ट्रक को लेकर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अब यार देखो, सबसे पहले ना हमें सीधा रेलवे ट्रैक पर जाना है, वहीं से हमें ट्रेन मिलने वाली है, तो भी जल्दी से अपने ट्रक को ना सबसे पहले मैं इस जगह से बाहर निकालता हूँ। बाकी यार ट्रेन तो आ गई है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, इस वाली ट्रेन को जाने दो, इसके अगले वाली ट्रेन को हम लोग यहाँ से पकड़ लेंगे। बाकी यार ये जो जगह आप लोग देख ही पा रहे हो, मतलब कितनी अजीब सी है, काफी ज्यादा बंदा यहाँ पर मतलब कि टेंट बनाकर आ रहा है, बट कोई नहीं, ये लोग हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे ये वाली लकड़ी तोड़नी पड़ेगी। और अभी फटाफट से अपने ट्रक को ना थोड़ा सा सुनसान एरिया पे लेकर चलते हैं, जहां से हम लोग एकदम आराम से अपने ट्रक को ट्रेन के ऊपर लोड भी करा लें और किसी को पता भी ना चले और कोई दिक्कत भी ना आए। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है ये जगह बढ़िया है, बट राइट में ना एकदम हाईवे है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से ना थोड़ा आगे चलता हूँ, वहां पर चलकर कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे। तो चलो गाइस यार, फाइनली मैं अपने ट्रक को लेकर सीधा पलेटो शहर से बाहर आ चुका हूँ और ये जो एरिया ये थोड़ा बहुत सुनसान सा है, और मेरे हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेन हाईजैकिंग करते हैं या फिर ये जो अपना ट्रक है उसके ऊपर लोड कराते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलने वाला। बाकी यार अपनी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, मैं जस्ट यहाँ पर पहुंचा ही हूँ और सामने से ट्रेन आ भी गई है। तो चलो भाई ड्राइवर तो यहीं पर रुक, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से इस ट्रेन को ऊपर चढ़ने की। तो चलो गाइस यार, फाइनली तुम्हारा भाई एक ही बार में इसके ऊपर चढ़ गया। तो चलो यार अभी जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर ऊपर चलते हैं और ये वाली जो ट्रेन है ना, इसका जो मतलब मेन ड्राइवर है उसको सबसे पहले ना गाइस हमको मारना पड़ेगा, बेचारे को कुछ पता ही नहीं चला इधर हुआ क्या है, तो वो बैठा तेरी ऐसे जैसे निकल यहाँ से। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने उसका तो मत्था यहाँ पर फोड़ डाला है, अभी जल्दी से यहाँ पर एक बार हम लोग नीचे उतरते हैं और फटाफट से चलते हैं सीधा इंजन के अंदर। तो चलो गाइस यार, फाइनली यहाँ पर मैं इंजन के अंदर आ चुका हूँ, तो अभी जल्दी से सबसे पहले ना इस वाली ट्रेन को यहाँ पर मैं रोक लेता हूँ और यहाँ पर जो मेन इसका ड्राइवर है ना इसको इसी के अंदर बैठे रहने दो, क्योंकि अगर मैं इसे नीचे फेंकूंगा तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी, अगर ये इसके अंदर रहेगा तो वैसे ठीक है, इसे बीच रास्ते में फेंक देंगे किसी को अपने ऊपर शक भी नहीं होगा। तो चलो यार अभी जल्दी से अपनी ट्रेन को पीछे लेकर चलते हैं। बाकी यार अभी ना मेरे को एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि आखिरकार अपने इंजन के मतलब की जो अपनी ट्रेन है इसके डिब्बों पर मैं उस गाड़ी को कैसे रखूंगा, वो गाड़ी बहुत ज्यादा भारी है, टो ट्रक से भी वो काम नहीं हो पाएगा। बट कोई नहीं यार देखो, कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाएंगे इसको ऊपर रखने के लिए। तो चलो गाइस यार, फाइनली यहां पर मैं अपनी ट्रेन को एकदम रिवर्स में लेकर आ चुका हूं, तो वो देखो सामने की तरफ में अपनी गाड़ी
खड़ी है और साथ ही ट्रेवर वगैरह भी उधर खड़े हुए हैं। और इस टाइम पर ना गाइस सर मेरे दिमाग में एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया आया है कि आखिरकार हमें ना मतलब कि कैसे अपनी ये जो ट्रक है इसको